साइंस की माने तो गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा इस तरीके से खुश होती है। कौन नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड खुश रहे और हर वक्त उसी के बारे में सोचे, लेकिन इसका तरीका क्या है यह ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। यहाँ जानते हैं स्टडी में क्या खुलासा हुआ। एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी पुरुष के दिल तक पहुँचना है तो इसका रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह कहावत महिलाओं पर भी सही बैठती है। एक स्टडी में यह निष्कर्ष निकाला कि जो महिलाएं प्रॉपर तरीके से खाती हैं वे रोमांस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं बजाय उनके जो भूखी रहती हैं। यह स्टडी काफी मजेदार तरीके से हुई थी। नॉर्मल वजन वाली फीमेल स्टूडेंट से 8 घंटे तक भूखे रहने को कहा गया और उनको कई तस्वीरें दिखाकर MRI स्कैन किया गया। मजेदार बात यह थी कि जिन लोगों ने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया था उनका निर्जीव तस्वीरों जैसे स्टैपल, पेड़, बॉलिंग बॉल के लिए वही रिएक्शन था जो रोमांटिक तस्वीरों को लेकर। इन तस्वीरों में उन्हें हाथ पकड़े हुए कपल्स, कैंडल लाइट डिनर वगैरह की तस्वीरें दिखाई गई थीं। फिर इन लड़कियों को चॉकलेट शेक दिया गया जिसकी कैलोरी लगभग 500 थी। फिर यह एक एक्सपेरिमेंट दोहराया गया। हैरानी की बात यह रही कि हिस्सा लेने वाली लड़कियों इस बार रोमांटिक तस्वीरों पर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। शोधकर्ताओं ने यह नतीजा निकाला कि भूखी महिलाओं का सबसे पहला फोकस खाना होता है। अगर वे भूखी नहीं हैं, तभी किसी और चीज जैसे रोमांस या सेक्स वगैरह पर ध्यान दे पाती हैं। एक रिसर्च में यह बात भी सामने आई कि अगर आप डेट पर मीठा खाते हैं तो आपके रोमांस करने के चांस बढ़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो बता दें कि कुछ मीठा खाने से दिमाग में डोपामीन का लेवल बढ़ता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर पैशनेट रोमांटिक लव से जुड़ा होता है। वैज्ञानिकों की माने तो अच्छे लुक्स, महंगे गिफ्ट्स और रोमांटिक लाइनिंग ये सब पीछे छूट सकते हैं अगर आपकी गर्लफ्रेंड भूखी है। साथ ही खाने के बाद उन्हें स्वीट डिश खिलाना ना भूलें।